तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरलैंड। और आज की हमारी मूवी एक ऐसी लड़की पर बेस्ड है जो कि कुछ स्पेशल पावर के साथ इस धरती पर जन्म लेती है और अपने आसपास के बहुत से लोगों को खतरनाक डेमोनिक शक्तियों से बचाते हुए उनकी रक्षा करती है। तो इसकी पूरी कहानी क्या है, चलिए आइए शुरू करते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉरलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एनी होता है, जो कि बैठकर प्रे कर रही थी। यहाँ पर हम उसे काफी डरा हुआ देखते हैं। तभी उसकी मदर डोर पर नॉक करती है, लेकिन एनी डोर को ओपन नहीं करती है, जिसके बाद उसकी मदर गुस्से में आकर अपना सर डोर पर पटकती है। और उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि एनी अपनी मदर से डर रही थी, और इसका कारण हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मूवी में इसी के साथ में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हम एनी को देखते हैं जो कि बड़ी हो चुकी थी और वो एक नन बन चुकी थी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर से काउंसलिंग ले रही थी। और यहीं पर वो सभी को अपनी मदर की पोजेशन के बारे में भी बताती है कि किस तरह एक खतरनाक डेविल से पजेस होने की वजह से उसकी मदर अपने बच्चों के लिए शैतान बन चुकी थी और वो उन्हें टॉर्चर करने लगी थी। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि 1835 में एक्सोसिस्म को सिखाने के लिए वेटिकन की तरफ से एक स्कूल को ओपन किया गया था, लेकिन पजेस लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उस स्कूल में सारे पजेस लोगों को रखा जाने लगा और वहाँ के प्रीस्ट उन सभी पजेस्ड पेशेंट पर एक्सोसिस्म परफॉर्म करके उन्हें ठीक किया करते थे। नेक्स्ट सीन में अब हम डॉक्टर पीटर को देखते हैं जो कि सबको एक्सोसिस्म और रिचुअल की हिस्ट्री के बारे में बता रही थी। वो ये भी बताती है कि यहाँ पर जिन पजेस लोगों को ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है उनका पहले फिजिकल और मेंटल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें अगर वो ठीक पाए गए तो ही उन्हें सीधे एक्सोसिस्म के लिए भेजा जाता है। फिर यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट का ध्यान एनी रख रही थी, जिसमें से एक पेशेंट कुछ समय पहले ही यहाँ पर आई थी जो कि एक छोटी सी बच्ची थी और उसका नाम नेटली था। नेटली एनी से बातें करके बहुत खुश हुआ करती थी और एनी भी उसको अपना फेवरेट पर्सन मानती थी। अब यहाँ पर हम एनी को अपने रूम में देखते हैं, तभी उसे किसी इविल स्पिरिट के रोने की आवाज़ आती है, तो इसीलिए अब वो चेक करने के लिए बाहर आती है और वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता है। फिर अगले सीन में एनी पेशेंट वार्ड में घूम रही होती है, जहाँ पर उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। तभी अचानक से उसके सामने नेटली आ जाती है और उसे देखकर एनी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि सारे पेशेंट रूम के अंदर लॉक्ड रहा करते थे। और अब वो थोड़ी देर नेटली से बातें करती है और वापस उसको उसके रूम में लॉक कर देती है, क्योंकि नेटली एक खतरनाक डेविल से पजस्ट थी। अब वो एक क्लास के पास से गुजरती है जहाँ पर फादर क्विन सभी प्रिस्ट को एक्सोसिस्म सिखा रहे होते हैं। वो उन सभी को एक लेडी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये लेडी एक बहुत ही खतरनाक डेमन से पजस्ट थी, जिस वजह से उस पर एक्सोसिस्म भी काम नहीं कर रहा था और काफी ज्यादा तकलीफ सहने के बाद आखिर में वो मर जाती है। एनी भी उस क्लास में आ जाती है और पीछे एक सीट पर बैठकर ये सारी बातें सुनने लगती है, क्योंकि उसे इन सब में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। एनी फादर को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन वो एनी से कुछ नहीं कहते हैं। फिर वो बताते हैं कि किसी भी एक्सोसिस्म को करने के लिए हमें गॉड के वर्ड्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि डेविल हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो हमारे अंदर गिल्ट का यूज करते हैं, लेकिन हमें गॉड पर पूरी तरीके से भरोसा रखना होगा और तभी हम किसी पजेस्ड पर्सन की जान बचा सकते हैं और इसी से दुनिया को डेविल का होने से भी बचा पाएंगे। फिर हम एनी को देखते हैं जो कि उसी लेडी के केस को स्टडी कर रही थी जिसके बारे में फादर क्विन बता रहे थे, और उसे पता चलता है कि उस लेडी को भी वैसी ही आवाजें सुनाई दिया करती थी जैसी आवाजें एनी को सुनाई दे रही थी। तो अब हमें एनी के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जिसमें वो डॉक्टर पीटर को बताती है उसकी मदर को भी अंदर से डेविल की आवाजें सुनाई देती थी, जो कि उनसे बोला करती थी कि वो उन्हें नहीं चाहती है बल्कि वो एनी को लेना चाहती है, क्योंकि उसकी आत्मा को भगवान के द्वारा चुना गया है डेविल को खत्म करने के लिए। अब हम हेड नन को देखते हैं जो कि एनी से यही बोलती है कि वो कभी भी उस प्रीस्ट के एक्सोसिस्म वाले क्लास में न जाए और वो एक्सोसिस्म से दूर रहे, और एनी उनकी बात को मान जाती है। अगले सीन में हम एनी को देखते हैं जो कि एक पेशेंट की केयर कर रही थी, लेकिन वो पेशेंट उसकी मदर वाला गाना गाने लगती है और उसे सुनकर एनी थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी वो पेशेंट एनी पर हमला कर देता है और थोड़ी ही देर के बाद में वो खुद ही बेहोश हो जाता है, और इसे देखकर हम समझ सकते हैं कि एनी के अंदर कुछ स्पेशल पावर है जो कि उसे इविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट कर रही थी। तो अब फादर क्विन सभी को रियल एक्सोसिस्म को दिखाने के लिए लास्ट फ्लोर पर लेकर जाते हैं, जहां पर सिक्योर चैम्बर में सबसे ज्यादा खतरनाक पोजीशन वाले लोगों को रखा जाता था,
और यहाँ पर हम नेटली को देख पाते हैं जिसका पोजीशन पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। फादर क्विन डांटे और रेमंड को एक्सोसिस्म के लिए चूज करते हैं और वो दोनों लोग एक चेंबर के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो अपने प्रेयर्स और रिचुअल स्टार्ट करते हैं, लेकिन पजस्ट हुई नेटली से उनके इस एक्सोसिस्म का कोई भी असर नहीं पड़ता है और वो उल्टा उन दोनों को ही हार्म करने लगती। उस चेंबर का ग्लास ऐसा था कि उस ग्लास के आर पार नहीं देखा जा सकता था, हालांकि दूसरी साइड के लोग उसके आर पार देख सकते थे। एनी बाहर खड़ी हुई ये सब देख रही थी, तभी नेटली विंडो के पास आ जाती है और इसका मतलब वो आर पार देख सकती थी, जिसके बाद वो एनी को डराते हुए कहती है कि वो उसे उसके अंदर जाने दे। और हम समझ पाते हैं कि नेटली के अंदर का डेविल एनी की बॉडी में जाना चाहता है। इतना बोलने के बाद में नेटली का पोजीशन इस हद तक बढ़ जाता है कि वो डांटे पर जानलेवा हमला कर देती है और यहाँ पर एनी अंदर आकर सारी सिचुएशन को संभाल लेती है और उन सभी की जान बचा लेती है। फिर यहाँ से हमें पता चलता है कि एनी अपने पावर के थ्रू पजस्ट लोगों की मदद कर सकती थी और उन्हें इन खतरनाक डेविल से बचा सकती थी। अब उसी रात को एनी को एक नाइटमेयर आता है जिसमें उसकी मदर उसको हॉन्ट करती है और इस नाइटमेयर से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर सुबह होने पर एनी नेटली के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसे कैसा फील हो रहा है और वो कहती है कि उसे एक नाइटमेयर आया था जिसमें उसने देखा कि वो एक जगह पर है जहाँ पर काफी लोग हैं जो कि चिल्ला रहे थे और साथ ही साथ एक अजीब सी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वो ये भी कहती है कि उसके नाइटमेयर में एनी भी थी और उसे सुनकर एनी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। अब वो बाहर बैठकर नोट्स बना रही थी कि ऐसे पोजीशन में लोग क्या क्या फेस करते हैं और उनके साथ में क्या क्या होता है। उसके फादर डांटे की हेल्प से क्लासिफाइड केसेस की फाइल को भी मिलाते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो लोग ज्यादा सीरियस हो जाते हैं उन्हें वेटिकन भेज दिया जाता है और अगर वहाँ भी ठीक नहीं होते हैं तो वे सब पजस्ट लोग मारे जाते हैं। इसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि नेटली की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और उसको भी वेटिकन भेजा जाना था। अगले सीन में एनी डॉक्टर पीटर के साथ में होती है और हम यहाँ पर फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर उसकी मदर पोजीशन में थी और उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसकी मदर की मौत हो जाती है क्योंकि वो डेमन एनी की मदर पर पूरा कंट्रोल कर चुका था और एनी की मदर तड़प तड़प कर मर जाती है। एनी अब फादर क्वीन के पास आती है और वो कहती है कि डेविल लोगों के शेम और गिल्ट का इस्तेमाल करता है पोजीशन के वक्त, और जब वे लोग शेम और गिल्ट से पूरी तरह टूट जाते हैं तब वो डेविल उन पर जीत जाता है और पजस्ट लोगों को एक्सोसिस्म के लिए कहीं पर भेजा जाए, उनका नतीजा उनकी मौत ही होगी क्योंकि डेविल पूरी तरीके से उनकी बॉडी पर अपना काबू कर चुका होगा। इसके बाद एनी फादर क्वीन से कहती है कि उन सभी पजस्ट लोगों को अपने अंदर से मजबूत होना होगा, तभी वो अपने शेम और गिल्ट से हार नहीं मानेंगे और इसी वजह से वे बच सकते हैं। इसके जवाब में फादर क्वीन थोड़ा सा सोचते हैं और उसे कहते हैं कि 10 साल की बच्ची को किस तरीके का शेम और गिल्ट होगा कि डेविल ने उसको पजेस किया, और इस बात को सुनकर एनी शांत हो जाती है। एनी की ये बातें फादर डांटे सुन लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि उसकी बहन भी पजस्ट हो चुकी है और वो उसकी हेल्प कर दे ताकि उसकी बहन एक खतरनाक स्पिरिट से खुद को बचा पाए, जिस पर एनी मान जाती है। अब वे दोनों डांटे के घर पर जाते हैं जहाँ पर एनी उसकी बहन से बातें करने लगती है। उसको बातों बातों में पता चलता है कि दरअसल डांटे की बहन को शेम और गिल्ट इस बात का था कि उसका कुछ टाइम पहले रेप हो गया था जिस वजह से उसे अबॉर्शन कराना पड़ा और इसी के बाद डेविल उसका इस्तेमाल करके उसे टॉर्चर कर रहा है। एनी उसको संभालती है और उसे कहती है कि तुम गॉड की नजर में बिल्कुल भी गलत नहीं हो और गॉड उसे भी चाहते हैं, जिस वजह से डेविल गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका एक्सोसिस्म काम करने लगा था। डेविल वहां की रखी चीजों से उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तब तक उसकी बहन अपनी शेम और गिल्ट से आजाद हो चुकी थी और जल्दी ही वो ठीक भी हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब वे दोनों बाहर बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं जहाँ पर एनी उसको अपने बारे में बताती है कि उसकी मदर की डेथ के बाद वो अकेली हो गई थी, लेकिन उसको अडॉप्ट कर लिया गया और 15 साल की उम्र आते आते उसको नशे की लत लग गई और वो गलत रास्ते पर भी जाने लगी थी और इसी दौरान उसका भी रेप हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इसी वजह के कारण उसकी अडॉप्ट की गई फैमिली ने उसको घर से भी निकाल दिया था। बाद में उसको एक नन ने संभाला और उसकी केयर की, फिर उसने एक बच्ची को जन्म भी दिया जिसे वो संभालना नहीं चाहती थी और उसने अपनी बेटी को उसी नन को सौंप दिया। फिर उसने डिसाइड किया कि वो भी एक नन बन जाएगी और वो गॉड ह्यूमंस और ह्यूमैनिटी की सेवा करेगी। एनी आगे कहती है कि पता नहीं गॉड मुझे माफ करेंगे या नहीं, तो डांटे कहते हैं कि गॉड ने तुम्हें माफ कर दिया है क्योंकि उसके अंदर उन्हें गॉड की एक किरण दिखाई देती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम हेड नन को देखते हैं जो कि एनी को लेकर मोन्स इग्नोर के पास जाती है, जहां पर डंटे भी होता है। और यहां पर हमें पता चलता है कि डंटे की बहन की मौत हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों ने उस रात एग्जोसिस्म पूरा नहीं किया था। ये खबर सुनकर एनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो डंटे की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है। फिर वो अब कॉन्वेंट के अंदर आ गई थी और डॉक्टर पीटर उससे मिलने आती है। वो उसको चेयरअप करती है क्योंकि कभी कभी वो भी लोगों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। फिर डॉक्टर पीटर बताती है कि नेटली ने अपने सारे ऑब्जर्वेशन क्लियर किए हैं और अगले दिन अपनी मॉम के साथ में घर चली जाएगी। और ये सुनकर एनी अब खुश होने लगी थी। सीन कट होता है और अगले सीन में डांटे एनी से मिलने आता है और उसको बताता है कि नेटली को घर ले जाया जाना था, लेकिन उसका पोजीशन उसके ऊपर हावी हो गया और उसने 3 लोगों को जान से मार दिया है, जिसमें प्रीस्ट और नन भी शामिल है। अब डांटे एनी को एक क्रॉस देता है जो कि पजेस हुई नेटली ने उसको देने के लिए कहा था। एनी उस क्रॉस को देखकर समझ जाती है कि नेटली उसकी ही बेटी है, जिसे उसने बहुत साल पहले अपने गिल्ट के चलते एक नन को सौंप दिया था। फिर एनी डांटे के साथ में नेटली को बचाने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि वो नेटली को कुछ भी करके बचाना चाहती थी। और अब हम नेटली को एक चेंबर में देखते हैं जहाँ पर उसका एग्जोसिस्म चल रहा था, और इस जगह पर ये 1835 से ही एग्जोसिस्म किए जा रहे थे। वहाँ पर रेमंड के साथ में कुछ प्रीस्ट होते हैं जिनकी पावर का नेटली पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तभी वहाँ पर एनी भी आ जाती है और डेविल का प्लान सक्सेस हो जाता है, क्योंकि वो नेटली के जरिए एनी तक पहुँचना चाहता था और अब वो अपनी पावर से सभी को दूर फेंक देता है। एनी उसके पास में जाती है और नेटली से बात करती है, लेकिन नेटली की जगह उससे डेविल ही बात कर रहा था। और डेविल उससे कहता है कि तुमने अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया, ये बात वो सबको बता देगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनी की मदर ने एनी को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया था, ताकि वो डेविल एनी तक नहीं पहुँच पाए, और इसी वजह से उसने अपनी बेटी को भी छोड़ दिया था, ताकि उसकी बेटी को कुछ न हो, क्योंकि डेविल उसकी फैमिली को हॉन्ट करके उसके पास में पहुंचना चाहता था। लेकिन फिर भी डेविल उसके पीछे पड़ा ही रहा। एनी अब डेविल को अपने अंदर आने के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि वो अपनी मदर की तरह अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहती थी। जिसके बाद डेविल उसके अंदर आकर उसको पजेस कर लेता है, और उसे देखते हुए डांटे नेटली को उठाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वहाँ के सभी दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो जाते हैं। फिर जैसे तैसे करते डांटे एक छोटी सी जगह से नेटली को निकाल देता है और वो उसे छुपने के लिए कहता है। लेकिन एनी यानी कि डेविल नेटली को मारने के लिए आगे बढ़ती है और डांटे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले ही बाहर आ जाती है और नेटली को पकड़कर उसे पूल में डुबाकर जान से मारने लगती है। तभी एनी को एक आवाज सुनाई देती है जो कि एनी की मॉम की होती है, और ये आवाज स्टार्टिंग से ही एनी के साथ में थी। वो आवाज सुनकर एनी को थोड़ी हिम्मत मिलती है, जिससे कि वो खुद पर कंट्रोल करके डेविल से लड़ने लगती है। तभी डेविल उस पर भारी पड़ता है और अचानक से एनी उस क्रॉस को अपने हेड पर लगाती है जो कि नेटली ने उसको दिया था। जैसे ही क्रॉस उसके हेड पर लगता है, वो उस हॉली वाटर के पूल में जंप कर देती है, जिससे कि वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाती है और डेविल उसकी बॉडी से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम एनी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर नेटली उसके पास में आ जाती है, लेकिन एनी ने उसको सच नहीं बताया था कि वो उसकी माँ है, ताकि वो हमेशा खुश रह सके। नेटली उसके पास में आकर उसे थैंक यू बोलती है और वहां से चली जाती है। फिर हम एनी को मोन्स इग्नोर के पास में देखते हैं, जो कि एनी की इस बहादुरी से बहुत खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसे बताते हैं कि उसको वेटिकन भेजा जा रहा है, जहां पर वो एग्जोसिस्म को अच्छे से सीखेगी और वो पहली फीमेल एग्जोसिस्ट बनेगी, और इससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो अब एनी वेटिकन के लिए रवाना होती है। तभी क्वीन उससे बात करते हैं, जो कि उसे बहुत खुश थे। क्वीन यहाँ पर कहते हैं कि अब तुम्हें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम डेविल को पूरी तरीके से जान चुकी हो तो डेविल भी तुम्हें अच्छी तरीके से जान गया है और वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और क्वीन की इस एडवाइस को लेकर वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है, और तभी उसकी कैब ट्रैफिक में रुकती है और उसे भीड़ में एक पजेस लेडी दिखाई देती है जो कि उसी की तरफ आ रही थी। यहाँ पर वो कैब ड्राइवर को भी पजेस्ड पाती है, और असल में डेविल नहीं उन्हें भेजा था, लेकिन एनी भी अपने क्रॉस के साथ में तैयार थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये था प्रे फॉर द डेविल मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में हमने देखा कि एनी के पास में कुछ स्पेशल पावर्स थी, जिससे कि वो पजेस लोगों को ठीक कर सकती थी, क्योंकि उसे भगवान ने चूज किया था। लेकिन डेविल भी ऐसे इंसान को माना चाहता था जो कि उसके लिए खतरा हो, तो इसीलिए वो एनी को पजेस करने में लगा हुआ था। एनी की माँ, जो कि ऑलरेडी एनी को बचाने के लिए मर चुकी थी,
ठीक उसी तरह एनी ने भी अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया, लेकिन एंड मोमेंट पर गॉड ने एनी का साथ दिया और अब एनी वेटिकन की पहली फीमेल एक्सोसिस्ट बनने वाली थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।